साल 1992 और दिन था 6 दिसंबर का। बाबरी मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर स्थित राम कथा कुंज में एक बड़ा स्टेज लगाया गया। इस स्टेज से बीजेपी तथा हिंदू धर्म से जुड़े कई संगठन के नेता अपनी स्पीच देने वाले थे। स्पीच को सुनने और कार सेवा करने की मकसद से कथा कुंज परिसर में 1.5 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जमा हो गई। इस स्थिति की निगरानी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पुलिस पास की इमारत सीता रसोई में मौजूद है। 11 बजते बजते वहां की भीड़ की बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही हरकत दिखाई पड़ती है। भीड़ अचानक से एक्टिव होती है और एक बड़ी संख्या में लोग बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच वहां खड़े बीजेपी के नेता ने भीड़ को ऊपर चढ़ने से मना किया, लेकिन बात बनी नहीं और अब ये लोग रस्सी और अन्य औजारों की सहायता से मस्जिद पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। नीचे बहुत सारे लोगों ने मस्जिद की नींव को खोदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही क्षण के भीतर पूरा ढांचा ढह गया। ढांचा गिरने के बाद जैसे ये भीड़ रामलला की मूर्ति लेने के लिए मस्जिद के अंदर प्रवेश करती है तो अंदर का नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल साल 1949 में मस्जिद में प्रकट हुई रामलला की मूर्ति वहां से गायब थी। आखिर ये मूर्ति गई तो गई कहां? इस मूर्ति के गायब होने से उपजे तनाव को सरकार ने कैसे मैनेज किया, कैसे इस मूर्ति को ढूंढा गया, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस कहानी पर आगे बढ़ें इसके पहले एक धार्मिक अपील। आज पूरा देश राममय हो चुका है क्योंकि अवधपुरी में श्री राम पधारने वाले हैं। अब इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए हमें स्पॉन्सर करने वाली आर्टेरियम नाम की एक कंपनी ने जनता की मांग पर अयोध्या राम मंदिर का ही एक छोटा सा रूप जो हाई क्वालिटी मेटल का बना हुआ है वो लेकर आए हैं। ये कंपनी सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई अन्य मूर्तियां भी बनाती हैं। अगर आप अयोध्या राम मंदिर को अपने घर की शोभा बनाना चाहते हैं या अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो बिना देरी किए अपनी पसंद की मूर्ति आर्टेरियम की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करें। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मिस्टिका 10 कोड को यूज कर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी मनचाही राम की मूर्ति ऑर्डर कर सकते हैं। खैर आइए वापस चलते हैं आज अपनी कहानी पर। देखिए भारतीय राजनीति का भाग्य ऐतिहासिक करवट ले चुका था। विवादित ढांचा अब जमीन दोज हो चुकी थी। जमीन पर उस वक्त चारों तरफ केवल मलबे ही मलबे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बात अभी भी अधूरी थी। ये अधूरा मिशन सिर्फ उस वक्त ही पूरा हो सकता था जब मलबे से अटी पड़ी इस जगह पर राम की असली जन्मभूमि होने का कोई मजबूत दावा ठोक दिया जाता। इस मिशन को पूरा करने के लिए उस दिन इस भीड़ ने एक अस्थायी मंदिर निर्माण करने का इरादा किया और इस मंदिर का आखिरी मकसद उस वक्त पूरा होता जब इसके भीतर सदियों से विराजमान राम लला को भी स्थापित किया जाता। फिर क्या था, राम के प्रति गहरी श्रद्धा से भरे इन भक्तों ने अपनी पूरी ताकत से 15 गुण और 15 गज की इस जमीन की सफाई की और फिर इसको समतल बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े मलबों को पीछे स्थित खाई में गिरा दिया गया। मलबा तो हट चुका था, अब बारी थी ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने की। अनगिनत लोगों ने मिलकर बड़ी तेजी के साथ इस जमीन को समतल कर डाला। ज्यों ही जमीन समतल होने का काम पूरा हुआ त्यों ही इस समतल किए गए जमीन पर देखते ही देखते 5 फीट की दीवार खड़ी कर दी गई और इस चबूतरा नामक स्थान तक पहुंचने के लिए नीचे से 18 सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया। और अब इस नव निर्मित इमारत को मंदिर के रूप में स्थापित करने के लिए इसके अंदर केवल रामलला को विराजमान करना था। मंदिर को अंतिम रूप देने के मकसद से रामलला को लाने के लिए कुछ लोग भीतर जाते हैं, लेकिन तभी जैसे आसमान टूट गया हो और भक्तों को जैसे बिजली का झटका लगा। दरअसल रामलला की मूर्ति जो 1949 से मस्जिद के भीतर विराजमान थी वो वहाँ थी ही नहीं। ये जानकर सारे राम भक्त और कार सेवकों के बीच जैसे हड़कंप समझ गया। भक्तों के बीच गुस्सा, हताश और निराशा के बादल मंडराने लगे। धीरे धीरे ये बात अयोध्या से निकलकर पूरे देश में फैल रही थी। जैसे जैसे ये बात फैल रही थी हालात बेकाबू होते जा रहे थे, जिसे संभालना सरकार के लिए सिरदर्दी का सबब बन रहा था। एक तो वैसे ही इसे गिराए जाने से देश एक खतरनाक मोड़ ले चुका था और उस पर रामलला का गायब होना, हालात ना सिर्फ बेकाबू हो रहे थे
बल्कि दंगे जैसा माहौल बनना शुरू हो चुका था। इस नए मंदिर में मूर्ति न स्थापित होने की वजह से इस घड़ी को लोग अशुभ और अमंगल भी मान रहे थे। एक तरफ बाबरी विध्वंस के कारण जहां पूरे देश में स्ट्रेस का माहौल था, वहीं दूसरी ओर गर्भगृह से रामलला की मूर्ति गायब होने से आग में घी डालने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। लेकिन गायब हुई मूर्ति की घटना को सरकार ने इतनी चतुराई और सफाई के साथ मैनेज किया कि किसी को आज तक इसकी भनक नहीं लगी। ढांचा गिराए जाने के बाद तत्काल बनी अस्थायी मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर कार सेवकों ने हंगामा खड़ा कर रखा था। मूर्ति का गायब होना इनकी आस्था पर प्रहार करने के जैसा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था और मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, वैसे वैसे सरकार के माथे पर पड़ने वाली शिकन भी गहरी होती जा रही थी। लेकिन सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं थी। इसने इस प्रॉब्लम की कमान संभाली और इसके समाधान के लिए अपने तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया। जिस वक्त वो हंगामा खड़ा हुआ, उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उनकी सरकार में लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय संभालने वाले पीआर कुमार मंगलम के पास इस हंगामे से निपटने का अचूक अस्त्र था। इस अस्त्र का नाम था विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह। जी हाँ, दरअसल विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा कांग्रेस के काफी करीब माने जाते थे। इसके साथ साथ राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह कांग्रेसी विचारधारा में यकीन रखने वाले व्यक्ति थे। अचानक आए इस क्राइसिस से निपटने के लिए पीआर कुमार मंगलम ने बिना देरी किए अयोध्या के राजा से संपर्क साधा। मंगलम ने जब इस समस्या को राजा के सामने रखा तो वो तत्काल भारत की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। बात दरअसल ये थी कि मंगलम इस बात को जान गए थे कि अयोध्या के राजा के पास उनकी दादी द्वारा संभाल कर रखी गई रामलला की ठीक वैसी ही मूर्ति है जो गर्भगृह से गायब हो चुकी थी। रामलला की मूर्ति गायब होने से उपजे हालात से निपटने के लिए इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं हो सकता था। बस फिर क्या था, कुमार मंगलम ने राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह नामक इस अस्त्र को चलाया और उस मूर्ति को उनके यहाँ से मंगवा कर चुपके से मंदिर में रखवा दिया। ये मूर्ति राजा की दादी ने इसी राम मंदिर में स्थापित करने के मकसद से सालों से संभाल कर रखी हुई थी। गायब हुई और दोबारा से रखी गई मूर्ति इतनी एक दूसरे से मिलती थी कि किसी को भी इस मूर्ति पर रत्ती भर का भी शक नहीं हुआ। रामलला की मूर्ति के अवधपुरी में पहुंचते ही अयोध्या में मानो उत्सव की शुरुआत हो गई। लोगों का क्रोध करुणा में बदल गया, दुख की जगह खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इधर सरकार की मानो तो अटकी हुई सांसें जैसे फिर से तेजी से चलने लगी हो। आज भी अयोध्या के मंदिर में जनता रामलला की इस मूर्ति की पूजा किया करती है, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। आज तक लोगों को लगता है कि ये मूर्ति गायब हुई, लेकिन उसे वापस सरकार ने ढूंढकर स्थापित कर दिया। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी जो सिर्फ सरकार को ही मालूम थी। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो मूर्ति गायब कहां से हो गई, इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन इस मूर्ति के गायब होने और दोबारा से मिले जाने की कई कहानियां मौजूद हैं जिस पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। रामलला के प्रकट होने की पहली कहानी के तार साल 1949 से जुड़े हैं। 23 दिसंबर 1949 के दिन जब बाबरी मस्जिद का पहरा देने वाले एक गार्ड बरकत अली ने रामलला को प्रकट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। आज भी बरकत अली द्वारा रामलला के प्रकटीकरण के संबंध में दी गई गवाही का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उसने साफ कहा था कि उस रात अचानक से एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और देखते ही देखते वहां रामलला प्रकट हो गए। इस प्रकाश से आने वाली रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आज भी अयोध्या में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बरकत अली द्वारा रामलला के प्रकटीकरण के संबंध में दिया गया बयान विस्तार से लिखा हुआ है। इस बयान के बाद बरकत अली ने अपनी गार्ड की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और हमेशा के लिए अपने गांव चला गया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा वर्जन भी है। जी हाँ, जिसके अनुसार 23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या के 5 संतों ने विधिवत मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। जब ये 5 संत रामलला की मूर्ति को लेकर मस्जिद के अंदर जा रहे थे, तब वहां पर मस्जिद की सुरक्षा में खड़े गार्ड इस्माइल ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन संतों ने उसे वहां से डरा धमकाकर भगा दिया और उसके जाने के बाद मस्जिद के भीतर पूरी विधि के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर डाली। बरकत अली के बयान के बारे में दूसरा वर्षन ये कहता है कि 23 दिसंबर वाली रात को बरकत अली की ड्यूटी लगी थी।
लेकिन वो ड्यूटी पर पूरे 1.5 घंटे देरी से आया और अपनी इसी गलती को छुपाने के लिए बरकत अली ने संतों द्वारा मंदिर में मूर्ति रखने की जगह रामलला के प्रकट होने की झूठी कहानी बना डाली। लेकिन जब प्रशासन को उसकी इस गलती का पता चला तो उस पर उंगलियां उठने लगी, तब उस पर इस नौकरी छोड़ने का दबाव बनने लगा और आखिरकार उसे इस नौकरी को छोड़ अपने गाँव जाने का फैसला करना पड़ा। खैर, आज तक यही माना जाता है कि रामलला उस जगह खुद प्रकट हुए थे। एक कहानी अब मध्यकाल की है, जब क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने अयोध्या के राम मंदिर पर आक्रमण कर इसका विनाश कर डाला। तभी मंदिर के पुजारी ने रामलला की मूर्ति को आक्रमण से बचाने के लिए वहीं पास में बालू के एक ढेर के नीचे दबा दिया था, जिसे बाद में ओरछा की महारानी कुंवरी गणेश ने वहां के मंदिर में इस मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया था। महारानी द्वारा रामलला की मूर्ति को स्थापित करने के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग और भावुक कर देने वाली कहानी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के ओरछा के महाराज मधुकर सिंह का विवाह रानी कुंवरी गणेश के साथ पूरे धूमधाम से हुआ था। दोनों राजा रानी की धार्मिक आस्थाएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहां राजा मधुकर श्री कृष्ण के उपासक थे, तो वहीं राजा कुंवरी गणेश श्री राम की परम भक्त थी। दोनों के बीच धार्मिक प्रश्न पर अक्सर बहस हो जाया करती थी। उन लोगों का बहस का बिंदु ये होता था कि राम और कृष्ण में से कौन श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही एक दिन मधुकर सिंह ने रानी को वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाने का सुझाव दिया, लेकिन भगवान राम की सबसे बड़ी भक्त देवी कुंवरी ने राजा के सुझाव में रुचि नहीं लेते हुए इस सुझाव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। वृंदावन की जगह अपने आराध्य श्री राम की नगरी अवधपुरी जाने की जिद करने लगी। रानी की इस जिद को राजा ने अस्वीकार कर दिया और मजाक में ही एक बात ये कह डाली कि अगर तुम्हारे राम में इतनी शक्ति है तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। मजाक में कही गई इस बात को रानी ने दिल पे ले लिया और बिना देरी किए अयोध्या के लिए चल पड़ी। अयोध्या जाने के बाद राम के दर्शन और उन्हें अपने साथ ओरछा ले जाने के लिए उन्होंने 21 दिन का कठिन तप प्रारंभ कर दिया। तप का कोई फल ना मिलता देख उदास और दुखी रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी और ये कहा जाता है कि महारानी की भक्ति को देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया और उस दिन से श्री राम हमेशा के लिए ओरछा के मंदिर में स्थापित हो गए। ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों के बीच ये बात भी की जाती है कि कहीं अयोध्या के मंदिर में स्थापित रामलला की असली मूर्ति ओरछा में तो नहीं है। 1949 में मस्जिद के अंदर प्रकट हुई रामलला की मूर्ति कहीं ओरछा की यही मूर्ति तो नहीं थी। कहीं भक्तों की श्रद्धा भाव को देखकर रामलला ओरछा से आकर यहीं तो नहीं स्थापित हो गए थे और फिर 6 दिसंबर 1992 को गायब हुए रामलला का कहीं वापस ओरछा तो नहीं चले गए। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि भगवान भक्तों की श्रद्धा देखकर उनको दर्शन देने के लिए अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई बार इस प्रकार की अफवाहें हवाओं में तैरी, लेकिन इस संदर्भ में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये सिर्फ राम भक्तों की आस्था है और कहते हैं कि आस्था पर प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल आज के लिए वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या लगता है आपको कि रामलला की मूर्ति गायब होकर कहां गई होगी भाई? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए मिस्टिकल लैंड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।